हालांकि या प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें संसार किस चीज़ों पर भरोसा रखते हैं पैसों पर या अधिकार पर सेना पर अपनी बुद्धि पर अपने अरबाब पर या अपने शक्ति पर अपने स्वास्थ्य पर लेकिन ये सारी चीज़ें मनुष्य को बचा नहीं सकती जो बाइबल पर विश्वास रखते हैं वे लोग किस पर भरोसा रखते हैं यह परमेश्वर पर जो सर्वशक्तिमान हैं अद्वैत सच्चे परमेश्वर है और हमारा सृजनहार है इस अंककार को भजन संहिता बीसवीं अध्याय सात से आठ इस तरह बताते हैं कि, कि किसी को रातों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है परंतु हम तो अपने परमेश्वर युवा ही का नाम लेंगे वे तो झुक गए और गिर पड़े परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं पवित्र में एक घटना है करीब तीन हज़ार साल पहले परमेश्वर की प्राजा इसराइल और पारोसी के एक देश है दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी तो पुलिस की तरफ से कोलायत के रहने वाला जॉन्ट वो सामने खड़े हो गया जिसके लंबाई नाइन फीट से ज़्यादा है उसने ये कहा कि चुनौती दी कि वन टू वन में लड़ाई करें कोई भी हार जाए तो वो दूसरे की सेवा करे इसराइल इस बात को सुन के इसको देख के बिल्कुल तड़के मारे बिल्कुल चुप हो गए थे तब एक जो जवान दाउद नाम का जवान सामने आ गया और अस्त्र शस्त्र पहने हुए उस प्रोफेशनल जो योद्धा के सामने गोलियाद के सामने खड़े हो गया वो तलवार लेके भाले लेके तो इस तरह तो आया लेकिन दाऊद यो परमेश्वर के नाम से उसके सामने चल दिया जिसकी नींदा की थी कोलायान ने और दावे के हाथ में सिर्फ एक कोफान था और चिकने पांच जो पत्थर उसके साथ था और लड़ाई से पहले दाऊद ने यह कहा कि इस युद्ध के द्वारा सब जान जाएंगे कि इसराइल में परमेश्वर है और परमेश्वर तलवार या भाले से बचाते नहीं परमेश्वर के पास है ये संग्रम संग्रम युआ ही का है ये बात सब लोग जान जाएंगे तो दोनों की बिल्कुल लड़ाई शुरू हुई दाऊद ने एक कोफान के को मारने से बिल्कुल उसको लाए के माथे पर मारा और जो पत्थर उसको लाए के माथे के भीतर घुस गया खत्म हो गया वो कौन है युवा परमेश्वर जिस पर भरोसा रखा था ने हमें क्यों उस पर भरोसा रखना है आज हम इसके बारे में मनन करेंगे आज के बचन भजन संहिता अरसथ अध्याय उन्नीस से इक्कीस धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा भोज उठाता है वो ही हमारा उद्धर करता ईश्वर है वो ही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है निश्चय परमेश्वर अपने अप्रक्षत्रों के सिर पर और जो आधारम के मार्ग पर चलता रहता है उसके बाल भारी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा इन इंग्लिश साम 68 19 टू 21 प्रेज बी टू द लॉर्ड टू गॉड आवर सेवियर हु डेली बेयर्स आवर बर्डन्स सेला Our God is a God who saves from the sovereign Lord comes escape from death surely God will crush the heads of his enemies the hairy crowns of those who go on in their sins आज के पटीशका पॉइंट 1 भोज उठाने वाला 19वीं धन्यवाद है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा भोज उठाता है वही हमारा ईश्वर है हमारे जीवा में अनेक तरह के भोज हैं विपत्तियां आ जाती है तंगड़ आता है और अज्ञानता का भोज भी है और भविष्य के बारे में आस्पष्टता का भोज है अकेलापान है दुख है पीरा है बातों की वजह से भी भोज है परिवार को पाप बिल्कुल पालन पोषण करने के लिए भी भोज है बीमारी का भोज मृत्यु का भोज और पाप का भोज वगैरह वगैरह इन भोजों को अगर आप युवा परमेश्वर पर रखेंगे तो परमेश्वर प्रतिदिन उस भोज को उठाएंगे आज का ये वचन का वादा है धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा भोज उठाता है गॉड तेली बेर्स आवर बहुत हाल इसलिए उसी परमेश्वर पर भरोसा रखना है जो हमारे भोज को प्रतिदिन उठाता है इसलिए प्रभु ईश्वर ने भी इस तरह वादा किया कि माती ग्यारह का अट्ठाईस में प्रभु ईश्वर ने कहा है सब परिश्रम करने वालों और भोज से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा प्रभु यीशु जी हमारे भोज को उठाने वाले हैं और हमें विश्राम देने वाले हैं हमारे मुक्ति जाता है इसलिए प्रभु यीशु के कंधे पर हम अपने पापों के भोज भी रख सकते हैं प्रभु यीशु के सामने आके अपने को पाप के रूप में अंगीकार कीजिएगा प्रभु यीशु से पाप क्षमा मांगिएगा और उसी से पाप क्षमा पाइएगा क्योंकि प्रभु यीशु इसी काम के लिए आए हैं जब प्रभु ईश्वर कहीं जा रहे थे जा रहे थे एक नंदावि ने उसको देखा और इस तरह कहा युवा नंदा भी ने देखा है युवास में इस तरह है कि दूसरे दिन उसने यानी उस एक नबी योहाना ने ईश्वर को अपनी ओर आते देखकर कहा देखो यह परमेश्वर का मेहमान है जो जगत के पाप उठा ले जाता है आज के उपस्थित का पॉइंट बचाने वाला वो ही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर थे हुआ प्रभु मृत्यु भी बचाता है पैसे या आदमी लोग दूसरे आदमी को बचा नहीं सकते हैं हमारे बीच में एक जो भाई है जयप्रकाश भाई उसके जो लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई थी तो कौन उसको बचा सकता था कोई नहीं सिर्फ यौआ परमेश्वर ने उसको बचा लिया है यौवा परमेश्वर शारीरिक मौत से हमको बचाते हैं शारीरिक बोध लाने वाली बीमारियां आती हैं यीशु हमको बीमारी से भी बचाते हैं और हमें शारीरिक जीवन और बढ़ा देते हैं क्योंकि उसी ने हमको बनाया वही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं और दूसरी मृत्यु से भी बचाते हैं यानी नरक की आग में डाले जाके सदा के लिए पीड़ित होने की नियति से बचाते हैं जीवित से सदा के लिए अल्लाह किया जाके सदा के लिए पीड़ित होने से बचाते हैं वही यहुआ परमेश्वर है पाप की मजदूरी मृत्यु है मृत्यु का मतलब शारीरिक मृत्यु भी है और आत्मिक मृत्यु भी है सदा के लिए न्याय मिलना और पापों का दंड मिलना पीड़ित होना ये आत्मिक मृत्यु होती है लेकिन परमेश्वर ने मृत्यु से बीजे पाने वाले प्रभु यीशु मसीह को हमें अनंत जीवन दाता के रूप में दे दिया है हाँ इसलिए प्रभु यशु ने युवा का पच्चीस में यह कहा कि यीशु ने उससे कहा पुनुत्थान और जीवन मैं ही हूं जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यादि मर भी जाए तो भी जिएगा हार लुए प्रभु यीशु जी हमारे सृजनहार हैं और हमारे पापों के लिए प्रभु यशु ने दुख उठाया है जो पापों का शर्प पापों का दंड हमें मिलना था प्रभु यीशु को मिला इसलिए हमारे लिए पापों के की मौत मरी पृथ्वी में से जी उठा और हमें पुण्य की आशा दिला दी हाँ ललुआया और अनंत जीव देने वाले भी प्रभु ईश्वसी हैं इसलिए प्रभु ईश्वस पर विश्वास रखिए उनके ऊपर भरोसा रखिएगा जरूर प्रभु ईश्वश आपको पृथ्वी में से भी बचाएंगे विपत्तियों में से भी बचाएंगे क्योंकि वो बचाने वाला है हाल आज के प्रदेश का पॉइंट थ्री विजयता इक्कीसवीं निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो आधारम के मार्ग पर चलता रहता है उसके बाल भारी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा जो प्रभु ईश्वर विश्वास करके जो पाप क्षमा पाए हुए हैं वह परमेश्वर के महान प्रेम को जानते हैं लेकिन अगर लगातार पाप करते रहेंगे तो जरूर न्याय परमेश्वर वाले परमेश्वर से मिलेंगे इस तरह उदाहरण होता है कि एक बिल्कुल कथुर जो पुलिसमैन, उसको देख के सारे पापी लोग तो डर जाते हैं लेकिन जब पॉलिस घर में जाते हैं तो अपने बच्चों से मिलते हैं बच्चे तो डरते नहीं ना अपने प्यारे पापा हैं इस तरह कैसे संबंध में है आप पाप करते रहेंगे तो जरूर जरूर न्याय न्याय के सामने खड़े होंगे लेकिन परमेश्वर के संतन बन जाएंगे उनके प्रेम बने रहेंगे इसलिए रोमियो में यह चुनौती है रोमियो ग्यारह का बाईस में इस तरह है कि इसलिए परमेश्वर की कृपा और कराई को देखो जो गिर गए उन पर कराई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा में दो तो गुण के बारे में परमेश्वर के लिखा है पहले यह कि परमेश्वर प्रेम है वो बचाने वाले हैं लेकिन परमेश्वर पवित्र भी है पाप से घृणा करते हैं पाप का न्याय करता है, दंड देते हैं है। आपके पाप किसी नदी के पानी से कोई आपके कर अच्छे कर्म से आपके धार्मिक कोई आ, कर्मा से दूर नहीं जाने का आपके पाप जरूर आपको श्राप तक ले जाएंगे मृत्यु तक ले जाएंगे और आपको सनातन करके न्याय के बिल्कुल जगह तक आपको ले जाएंगे इसलिए अपने पापों के राह से बिल्कुल मर जाए मन फिराए करें प्रश्वर पर विश्वास करके सदा के लिए अपने पाप क्षमा पाए क्योंकि प्रभु ईश्वर में अगर आप बने रहेंगे आप परमेश्वर के अटल प्रेम में बने रहेंगे और आप सदा के लिए सुरक्षित होंगे हाल परमेश्वर बचाने वाले हैं न केवल व्यक्ति को बचाते वरन देश को भी बचाते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखना सचमुच में मुक्ति को पाने के एकमात्र रास्ता है कोरिया के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं 1950 और 25 तारीख को जून में नॉर्थ कोरिया ने हमला किया साउथ कोरिया के ऊपर उस हमले के बाद पाचास दिन के अंदर अंदर कोरिया के फहरशुल्ला सारे नॉर्थ कोरिया के हाथों में चला गया और सिर्फ भूसान तेगू फोहांग जो नीचे बिल्कुल थोड़ा सा टुकड़ा रह गया था तो उसी साल अगस्त तीस तारीख को फूसान के अंदर जो छोड़यांग छे हैं वहाँ कुछ क्रिश्चियन गुरु ने प्रार्थना करना शुरू की देश को बचाने के लिए विनती करने लगे क्योंकि वहाँ करीब 250 जो पादर लोग रेफ्यूज बंद के भाग के भूषा में आए हुए थे और उनके साथ कुछ जो चर्च के एल्डर्स तो इकट्ठे हो गई और जो रेफ्यूज बिल्कुल भाग भाग के यहाँ तक आए थे वे लोग सचमुच परमेश्वर के सामने दीन नम्र होते हुए बिल्कुल पापों के पश्चात करते हुए और परमेश्वर की कृपा के लिए विनती करते रहे करते रहे तो तीस तारीख शुरू हो गया ना कम से दो हफ्ते लगातार इसलिए पंद्रह तारीख को सितंबर में ये प्रार्थना सभा खत्म हो गई और ठीक से तीन दिन के बाद सितंबर अट्ठारह तारीख को एक जनरल है अमेरिकन जनरल मेगाद और उसी ने एक जो सेना को लेके इंचन जो इंचन की तरफ फोर्थ में बिल्कुल चुपके से तो सेना को पहुंचा दिया था सफल हो गया इसलिए पीछे से बिल्कुल रास्ता खत्म हो गया था सप्लाई के जो बिल्कुल खत्म हो गया इसलिए नॉर्थ कोरिया लोग इधर उधर भटकने लगे सेना तो उसी महीने में सितंबर 28 को हमारे सेना ने तो सोल को वापस लिया था जो अभी आप साउथ कोरिया को देख रहे हैं कैसे वर्णा कर सकते हैं सिर्फ परमेश्वर के कृपा की वजह से है और उनके बचाने के अनुग्रह की वजह से है भाइयों बहनों हमारे जीवन में दुख की रहरिंग लगातार आती रहती है व्यक्तिगत तो दुख भी होते हैं या बच्चों की वजह से भी या अपने शादी में भी खतरा आ जाती है भविष्य के बारे में भी, भी कुछ कुछ और अपने खानदान में भी, भी कुछ और अपने देश में भी, भी बहुत गड़बड़ हो सकता है लेकिन एक बचाने वाला परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं जो कहीं भी कभी भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं हम उस शक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखें प्रभु ईश्वर को आप दिल में ग्रहण कीजिएगा प्रभु ईश्वर के अंदर परमेश्वर आपकी मदद करेंगे आपको बचाएंगे आपको मुक्ति दिलाएंगे तब आप आपको बचाने वाले परमेश्वर के गीत गाते रहेंगे हा आप सचमुच में मुक्ति के प्रशंसा करते हुए जीवन जीने वाले धन्य लोग जाएंगे